हेलो गाइस, मैं कश्वी और आप देख रहे हैं टुडेज तमाशा, जहां हम आपको देते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें। आइए बात करते हैं आपके फेवरेट हीरो, जो डैशिंग हॉट सिजलिंग ऋतिक रोशन के बारे में। जी, ऋतिक रोशन के बारे में कुछ बातें जानते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ऋतिक रोशन जो है वो अपने हेल्थ को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट है, ये तो उनकी फिटनेस देख के पता ही चलता है। ऋतिक जो है अपने हेल्थ के साथ बिल्कुल लापरवाही नहीं करते हैं। ऋतिक रोशन खाने में भी बहुत स्ट्रिक्ट है। अब दूसरी जो बात है वो आपको काफ़ी चौंका देगी। जी हाँ, ऋतिक रोशन की फर्स्ट मूवी रिलीज होने के बाद, जो थी कहो ना प्यार है, 2000 में ये मूवी रिलीज हुई थी। इसके बाद ऋतिक रोशन को 30,000 से ज़्यादा प्रपोजल आए थे वैलेंटाइंस डे पर। जी हाँ, ऐसे ही हमारे ऋतिक रोशन वर्ल्ड के सेक्सी मैन में नहीं आते हैं, लड़कियाँ तो उनकी आज तक दीवानी हैं। जी हाँ, दूसरी बात आपको बताएं तो उन्होंने स्मोकिंग स्टार्ट की थी। जी, स्टार्टिंग में वो स्मोक करते थे, जिसे उन्होंने कुछ दिन के बाद छोड़ दिया। स्मोकिंग को छोड़ने के लिए ऋतिक रोशन ने कुछ गाइड्स हायर किए थे। उसके बाद उन्होंने कुछ अपने को एक्टर्स की भी मदद ली थी, जिसके बाद अब वो बिल्कुल स्मोक नहीं करते हैं। और आपको बता दें कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि उनकी फर्स्ट फिल्म थी कहो ना प्यार है, लेकिन इससे पहले उन्होंने एक डेब्यू फिल्म की थी। जी हाँ, ऋतिक रोशन ने आशा मूवी में काम किया था, जो आई थी 1980 में। इस मूवी के साथ ऋतिक रोशन ने डेब्यू किया था। उसके बाद हम आपको बता दें कि ऋतिक रोशन जो है वो ग्रीक गॉड के नाम से जाने जाते हैं। उनको डांसिंग में तो कोई मात दे ही नहीं सकता है, उनकी डांसिंग से सब लोग मेस्मराइज हो जाते। और आपको आखिरी एक और बात बता दें कि कहो ना प्यार जो मूवी थी, जो 2002 में आई थी, ऋतिक रोशन की पहली मूवी, उसको 102 अवार्ड्स मिले थे। जी हाँ, 102 अवार्ड्स के साथ ऋतिक रोशन ने बॉलीवुड में एंट्री मारी थी। तो कोई डाउट नहीं, ऋतिक रोशन क्यों है हम सब के इतने फेवरेट। ऐसे और जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।